गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th का टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक वही है, जनरल एंट्री करना है। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरलाइजिंग, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग बताया है, फॉर्मेट ऑफ जनरल का बताया है, फिर भी एक दिन में जनरल एंट्री करना नहीं आता, तो आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, रूल्स अप्लाई कैसे करेंगे। तो जनरल एंट्री करना हम आपको सिखा रहे हैं, आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और उस पर कमेंट भी करिए, सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ भी लिखिए आप, तो हमें पता चलेगा आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए आज आपको हम बुक से पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर आप बुक से नहीं पढ़ा रहे, कहाँ से पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, बुक में ढूंढते हैं पाते नहीं। तो आज आपको हम बुक से देखिए, देखिए चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 9.6 देखिए, चैप्टर नंबर 9 जहाँ पे लिखा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। बाकी चैप्टर बाद में पढ़ाया जाता है बेटा, शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दिया था हमने फर्स्ट चैप्टर का, फिर आपको जनरल एंट्री पहले हम सिखाते हैं, फिर आपको धीरे धीरे हर चीज़ आ जाता है। तो जनरल एंट्री देखिए, आज आपको एक क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं, उस क्वेश्चन को शुरू से बताते हैं, धीरे धीरे आपको जनरल एंट्री करना आ जाएगा। तो जनरल एंट्री जैसे बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, उसी तरह से हम आपको जनरल एंट्री सिखाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर है 9.6 बुक में, आप देखिए डीके गोयल की, इसमें दिया है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जनरल ऑफ सीआरएम एंड सन्स। तो देखिए इसमें दिया है January 1, 2019 सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ये आपका दिया गया है, इसको आपको जनरल एंट्री में करना है। तो आपको मैंने बताया है कि जिस ओनर का नाम रहता है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओनर का नाम लिखते हैं सीआरएम एंड सन्स, सीआरएम एंड सन्स, ठीक है। अब इसके लिखने के बाद हम पूरे पेज को 5 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। स्केल के बराबर ये होगा पहला कॉलम, सेकंड कॉलम भी स्केल के बराबर होगा, इसका हाफ कॉलम ये अगला होता है, और इधर पेज के पहले पे आप आ जाएंगे कि स्केल के बराबर ये भी होता है। तो 5 कॉलम्स इन जनरल, तो यहाँ पे जनरल में हमने 5 कॉलम्स बनाना आपको सिखा दिया था। देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट होता है, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर का होता है, ये कॉलम होता है जनरल लेजर फोलियो LF जिसको कहते हैं, फिर यहाँ पे अमाउंट DR, इसमें अमाउंट CR, ये लिखते हैं। अब आपको देखिए एक एक जनरल एंट्री हम आपको कैसे क्लासिफाइंग करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए सीआरएम एंड सन्स लिखा है फर्स्ट जनरल एंट्री, सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस, विद कैश ₹50,000, इस सेंटेंस को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट। देखिए हर ट्रांजेक्शन में आपको दो एस्पेक्ट मिलेंगे, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। इसमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन में आप फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए द टाइप्स ऑफ अकाउंट, पहला स्टेप मैंने बताया था,
फर्स्ट स्टेप होगा यू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है, पहला है सीआरआम्स कैपिटल अकाउंट। अगर सीआरआम नहीं लिखेंगे सिर्फ कैपिटल लिखेंगे तब भी चलेगा, ये हो गया। दूसरा हमारा हो गया कैश अकाउंट। तो आप समझिए कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट मिलते हैं, कभी कभी तीन भी मिलते हैं, चार भी मिलते हैं, लेकिन कम से कम दो होना ही चाहिए कंपलसरी, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो देखिए सीआरआम्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट फाइंड आउट किया। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्लियर। उसके बाद जब फाइंड आउट आप कर लेंगे तब आपको क्लासिफाइड करना है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। फाइंड आउट सेकेंड स्टेप, क्लासिफाइड यानी कि वो किस टाइप का अकाउंट है, कि पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। समझ में आ रहा। फर्स्ट यू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्लासिफाइड करिए। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि सीआरआम्स कैपिटल, सीआरआम हमारी बिजनेस को कैपिटल दे रहा है। सीआरआम्स कैपिटल का मतलब ही इज ए पर्सनल अकाउंट, ही इज गिवर। हमने बताया सबसे पहले ऐसे आप लिखिए हर ट्रांजैक्शन को। तो गिवर को अब पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है कि सीआरआम पर्सनल अकाउंट है, ही इज गिवर, सो यू डू डेबिट आर क्रेडिट। तो मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसलिए इसको क्या करेंगे सीआर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा आर का मतलब रियल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट। अब कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, यानी कि रियल अकाउंट का रूल्स है व्हाट एसेट्स कम इन को डेबिट करते हैं एंड व्हाट एसेट्स गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा कि जा रहा है, कैश आ रहा है। इन, इनका मतलब आना, इनका मतलब आना, इनको हम डीआर करते हैं। व्हाट एसेट्स कम इन बिजनेस इज डेबिटेड, तो हम डेबिट करते हैं। इतना आप अगर क्लासिफाई करना सीख गए हैं बेटा तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आप ट्रांजैक्शन को पढ़िए, उसमें से फाइंड आउट करना चालू करिए कौन कौन से अकाउंट्स हैं। फाइंड आउट करने के बाद द टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर रूल्स ऑफ अकाउंट, इसको क्लासीफाई कर दीजिए इस तरह से। अब आपको जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए जनरल एंट्री का क्या रूल्स है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट 1 जनवरी 2019। डेट के बाद हमारा जो रूल्स होता है कि सबसे पहले हम डेबिट वाले हेड्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, टू लिखते हैं। आप सीआरआम्स कैपिटल भी लिख सकते हैं या कैपिटल्स भी लिखेंगे तब भी पता चलेगा कि सीआरआम ओनर है, उसकी कैपिटल है। तो यहां आप लिखिए टू कैपिटल अकाउंट, एपोस्ट्रोफीएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं, यहां पे आप लिखिए 50,000 और यहां पे भी क्रेडिट साइड में आप 50,000। एक नरेशन लिखा जाता है इसके बाद शॉर्टकट में, संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि छोटा शॉर्ट, कि इसको आपने जो किया उसी का शॉर्टकट में लिखिए जिससे सेंस निकले। तो यहाँ पे सबसे पहले बीइंग लगाया ही जाता है हर नरेशन में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो स्टार्ट क्या होगा, कैसे होगा, कितनी कैपिटल आ रही है, कैश कितना आ रहा है, ये सब ऊपर लिखा गया है, इसलिए नरेशन लिखा जाता है। इसको आप यहाँ से केवल यहाँ तक क्लोज करिए, पूरा आप क्लोज मत करिए, फिर अगला डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन फिर यहाँ पे लिखिए, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर इस तरह से पूरे महीने का ट्रांजैक्शन हम ऐसे करते जाते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अगला देखिए क्या दिया गया है,
अगला दिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश। ध्यान से समझिए बेटा, यही अगर आपको समझ में आ गया, समझिए आपको अकाउंट आ गया। देखिए अगला दिया है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। ₹20,000 यानी गुड्स परचेज फ्रॉम कैश फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। अब मैंने बताया था ट्रांजेक्शन टू टाइप्स होते हैं, एक कैश में होता है, एक क्रेडिट होता है, यानी कि एक नगद ले सकते हैं या उधार। ये नगद है बेटा, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करिए किससे खरीदा गया, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने कैश में खरीदा तो हमें दुकानदार से कोई मतलब नहीं होता। उधार खरीदते तो पूरे खानदान की लिस्ट देना पड़ता है, भाई मेरा घर यहाँ है, मेरा नाम ये, मेरा एड्रेस ये है, तब जाके गारंटर ला दे, तब जाके उधार मिलता है मार्केट में। लेकिन यहाँ तो हमने कैश में खरीदा है, गुड्स खरीदा और कैश दिया, तो हमारे पास आ क्या रहा, गुड्स और कैश जा रहा है। तो इसमें दो अकाउंट्स आप फाइंड आउट करिए। पहला, अगर आपको परचेज लिखा गुड्स परचेज्ड है, गुड्स के बाद सेल और परचेज अगर लिखा है तो आप उसी को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला हमारा परचेज अकाउंट है, दूसरा हमारा कैश है, ठीक है। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। कैश हमारा रियल अकाउंट है, अभी हमने पिछले एंट्री में बताया था कैश रियल अकाउंट है। क्या कैश आ रहा कि जा रहा, जब भाई जब हम गुड्स खरीदेंगे और नगद खरीद रहे तो कैश हमारे पास से जाएगा, गुड्स आएगा, तो कैश आउट हो रहा, यानी जा रहा है। तो हॉट एसेट्स गोज आउट को हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं, थोड़ा सा सोचिए आप, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सेकेंड एंट्री आप कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए डेबिट वाला आप सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए परचेज मत लिखिएगा, परचेज यहाँ पे अकाउंट लिखिए डी आर टू कैश अकाउंट लिखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप लिखिए 20,000, क्रेडिट में भी आप लिखिए 20,000, फिर आप नरेशन लिख दीजिए बी गुड्स परचेज्ड, बात खत्म, अंडरलाइन कर दीजिए, फिर अगला डेट आप डाल दीजिए यहाँ जो भी डेट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है, अगला ट्रांजेक्शन हमारा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। देखिए दिया है परचेज गुड नहीं गुड्स होता है, गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। देखिए यहाँ पिछला ट्रांजेक्शन जो था वो इन कैश ट्रांजेक्शन था, सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ऑन क्रेडिट है। अब देखिए कि गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000, यहाँ कैश नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे पहला अकाउंट आपका मिल जाएगा परचेज और दूसरा अकाउंट आपको मिलेगा सुभाष, ठीक है। हमने दो अकाउंट फाइंड आउट किया। अब परचेज को पिछला बार देखो हमने जो किया था सेम होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेज है, सो यू डू डेबिट। सुभाष पता ही है ये पर्सनल अकाउंट है, पी लिख दिया, तो पर्सनल अकाउंट में गिवर है, एक रिसीवर है, तो आप देख सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष से हमने लिया,
यानी सुवास क्या हो गया, गीबर हो गया। तो गीबर को हम सीआर करते हैं। अब इसका ट्रांजेक्शन कर लीजिए, पहले आप इसको अलग पन्ने पे क्लासिफाइड सारे ट्रांजेक्शन करिए, फिर आप जनरल एंट्री ऐसे करिएगा, फिर यहाँ पे लिखिए परचेज अकाउंट या टू सुभाष। अब यहाँ सुभाष के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो एपोस्ट्रॉफ एस लगा के यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 12,000। अब आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड फिर अगला डेट इसमें डालिए। डेट वाइज आप एंट्री करते चले जाएंगे। अगला एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगला ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीस 6,000। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, परचेज लिखा है बट इसके आगे पीछे क्या लिखा, गुड्स कहीं लिखा है नहीं। अगर इसके आगे या पीछे गुड्स लिखा होता है परचेज या सेल की कंडीशन में, अगर उसके आगे या पीछे गुड्स लिखा है तभी हम परचेज और सेल अकाउंट लिखते हैं। अदरवाइज अगर किसी एसेट्स का नाम लिखा रहता है तो हम वहाँ पे उस एसेट्स का नाम यूज करते हैं। तो देखिए परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा यहाँ पे पहला अकाउंट्स मिल गया और दूसरा फॉर कैश, ये हमारा कैश मिल गया। तो फर्नीचर हमने बताया ये हमारा रियल अकाउंट है, ऑल एसेट्स रिलेटेड टू बिजनेस कॉल रियल अकाउंट। तो हमने बताया था फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, हम उसको परचेज करें यानी कि बिजनेस में हमारे फर्नीचर आ रहा है, इन हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, ये बिजनेस से जाएगा, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, इसलिए इसको सीआर करेंगे। बात ख़त्म हो गई। अब इसी को आप वहाँ पे पुट अप करिए, लिखिए फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 6,000। नरेशन आप लिख दीजिए बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। अभी हमारे पास और सारे ट्रांजेक्शन हैं क्योंकि बोर्ड में ये नहीं आ रहा। जब हमारे पूरे इस पेज को आगे ले जाना है, जैसे आपका एक पेज पूरा फिलअप हो गया, आपकी पूरे जनरल एंट्री नहीं आई है, तो आप इसको टोटल कर लीजिए, इस बैलेंस को आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल करिए, दस अस्सी अस्सी दो बयासी 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 88,000 आप दोनों का बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, यानी कि हम इस पेज का बैलेंस अगले पेज पर ले गए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी 88,080। यही जब अगले पेज पे जाएंगे तो सपोज दैट वो अगला पेज हमारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे
बाई बैलेंस बीडी ब्राट डाउन, हमने अपने बैलेंस को ब्राट डाउन किया है। यहाँ पे आप लिखेंगे 88,000, यहाँ पे लिखेंगे 88,000। अब इसके आगे फिर यहाँ डेट मेंशन करेंगे, फिर जनरल एंट्री करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्राट डाउन सीडी और बीडी का यूज़ करते हैं। इसके बाद भी आप देखिए, अगर आपका पूरे मंथ का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसके अमाउंट को हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करके यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सिंगल लाइन करने के बाद टोटल करते हैं, फिर टोटल करने के बाद फिर देखिए डबल अंडरलाइन कर देते हैं। डबल अंडरलाइन करने के बाद अगर आपका पूरे मंथ का एंट्री कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रांड टोटल, ठीक है, तब जाके ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरी जनरल एंट्री। तो अभी एक पेज यहाँ बोर्ड पे हमारा एक ट्रांजैक्शन पूरे मंथ का नहीं आ सकता है, लेकिन आपका मेथड क्या है हमने आपको बताया। ऐसे आपको करना है कि अगर एक पेज कंप्लीट हो गया है, फुल हो गया है, तो अगले पेज पे उसको फॉरवर्ड करिए, कैरी डाउन ब्राट डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका वो पेज भी कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो ग्रांड टोटल आपको निकालना है। चलिए कुछ ट्रांजेक्शन बच रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि डेट वाइज आपको कैसे करना है। अगला देखिए ट्रांजेक्शन हमारा है पेड कैश टू सुभाष। पहले ये क्लासिफाइड करना आप सीखिए, पेड कैश टू सुभाष रुपीज 8,000, ठीक है। यहाँ आपको सुभाष मिल गए और दूसरा कैश मिल गया। देखिए सुभाष पर्सनल अकाउंट है, पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को कैश दिया तो सुभाष क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को हम लोग डीआर करते हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है, ये बिजनेस से जा रहा, आउट हो रहा, इसलिए इसको सीआर कर देंगे, ठीक है। तो आप इसमें फिर पुटअप कर सकते हैं कि सुभाष अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया। अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ये देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें तीन अकाउंट कहां से मिल गए हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश रुपीज 7,500। देखिए अब इसमें कह रहे हैं सर परचेज भी है, रवि भी है, कैश भी है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन किया, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि हमने रवि से गुड्स परचेज किया, लेकिन कैसा, कैश। तो अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो रवि से इस कंडीशन में हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रवि से हमने गुड्स परचेज किया लेकिन तुरंत उसको कैश दे दिया। तो आप इसमें परचेज मिल जाएगा और दूसरा कैश अकाउंट मिल जाएगा। तो परचेज हमारा नॉमिनल होता है, ये एक्सपेंसेज होता है, इसलिए इसको डीआर करेंगे। कैश रियल अकाउंट से ये आउट हो रहा है, इसलिए सीआर करेंगे। आप जनरल एंट्री कर दीजिए। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये देखिए ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब वहाँ परचेज अकाउंट लिख सकते हैं और रवि। अब यहाँ इसको फॉर कैश कट हो गया, अगले ट्रांजेक्शन में आपको 5,000 लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है।
अब यहाँ कैश की जगह आप रवि लिखेंगे। इस अगले ट्रांजेक्शन में रवि जे पर्सनल अकाउंट इज गिवर, इसलिए इसको सीआर करेंगे। ठीक है, अगला है बाट मशीनरी फॉर कैश। बाट मशीनरी फॉर कैश, बाट मींस भी परचेज करना होता है, ध्यान दीजिएगा। बाट मशीनरी फॉर कैश रुपीस जो भी दिया है, इसमें देखिए आपको मशीनरी मिल गया एक अकाउंट एंड सेकेंड आपको कैश मिल गया। तो बाट मशीनरी, बिजनेस में मशीनरी आएगा, ये रियल अकाउंट है, इन हो रहा है, सो यू डू डेबिट। कैश इज रियल अकाउंट, इट इज आउट फ्रॉम बिजनेस, सो यू डू क्रेडिट। कैश जा रहा है, मशीनरी आ रहा है, दोनों रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, व्हाट एसेट्स गोज आउट को क्रेडिट करते हैं, व्हाट एसेट्स कम इन को डेबिट करते हैं। फिर लिखा है अगला ट्रांजेक्शन पेड रेंट। पेड रेंट रुपीज जो भी दिया है, तो इसमें आपको एक मिल गया रेंट अकाउंट एंड सेकेंड मिल गया कैश अकाउंट। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट है, ये आउट हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रूल्स हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट हमने आपको कंप्लीट किया, आपका होमवर्क है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप इसको देखिए, इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी आपको हर वीडियो पहुंचेगा। और हर बच्चे को सब्सक्राइब करना है, इससे हमें पता चलेगा कि आपने हमारा वीडियो देखा है। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे आपको ट्रांजेक्शन करना आ जाएगा। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं कि सर ट्रांजेक्शन कैसे आता है, अकाउंटिंग कैसे हम करें, हमें नहीं। धीरे धीरे आपको आ जाएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नए नए वर्ड्स हैं, तो आपको धीरे धीरे ये आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।